तो आप एक स्लो मोशन एंजॉय करो। अभी के सीन्स तो कैसे हैं कि अभी हम गांव में हैं, जब भी तुम्हारा भाई ये बैंड लगा ले तो समझ जाना कि आयुष द ट्रेवलर इज रेडी। पिछला वाला अगर आपने मोंटाज नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आयुष द हैकर, आयुष द स्ट्रीमर, आयुष द ब्लॉगर, वो बहुत सही मैंने किया उसमें, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। काफी मेहनत लगी उस वाले मोंटाज में। एंड अभी मैं निकल रहा हूँ अपने गांव में। अभी सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हमको निकलना है ट्रेन पकड़ने, अभी 12 बजे की हमारी ट्रेन है, चलते हैं, सब लोग चल रहे हैं, फैमिली मेम्बर चल रहे हैं, बुआ फूफा चल रहे हैं, चलो अब चलते हैं। तो जैसा कि आपने अभी सिनेमैटिक देखा, उसमें खाना वाना रेडी हो रहा था 4-5 लोगों के लिए, सो बस यही था सीन। एंड आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगा कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, किस डेस्टिनेशन पे जाना है। सो या एंड अभी हम लोग चलते हैं, अभी हमारी ट्रेन चलने में अभी 1.5 घंटे के आसपास का समय है, सो आधा घंटा लगेगा जाने में एंड 1 घंटा बचेगा, सो या काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड लेट्स गो। ट्रेन आ रही है एंड इसी ट्रेन में जाना है जो है ग्वालियर बरौनी। एंड आ जाओ ट्रेन, जल्दी जल्दी लग जाओ। कुछ ऐसे हैं कि अभी मैं प्लेटफॉर्म बता एंड आपको बताया था कि मेरी ट्रेन आ गई है। ट्रेन तो खैर जस्ट पीछे ही खड़ी है, आप जैसे देख सकते हो, लेकिन अभी क्या हो गया है कि मैं जल्दी आ गया था रेलवे स्टेशन पर एंड डैडी बुआ को लेने गए हैं, बुआ और फूफा को, सो उनका घर यही पास में, ज़्यादा दूर है नहीं। सो या मैं जल्दी इसलिए आ गया था क्योंकि बैग ज़्यादा थे हम लोगों पर, इसीलिए मैं सोचा कि पहले बैग उतार लेते हैं। एंड गाड़ी छोटी थी तो उसमें क्या बुआ का भी सामान आना था एंड एक सामान और हमारा भी उसमें, तो मैं पहले आ गया कि अपना सामान यहाँ पे ले आऊँगा। तो या अभी ट्रेन में बैठते हैं, फिर मैं आपसे बात करूँ। तो बोगी में चढ़ने में ही, मतलब डब्बे में चढ़ने में ही हालत ख़राब होगी, इतना पसीना पसीना हो। जिस ट्रेन में मैं अभी हूँ ये है ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस या मेल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंगल ट्रेन है जो हमारे गांव में क्या गोंडा में जाती है, ये एक सिंगल ट्रेन है और एक ही मात्र ट्रेन है जो लखनऊ में जाती है। बहुत आश्चर्य की बात है कि ग्वालियर से लखनऊ सिर्फ एक ही ट्रेन है, मतलब बहुत क्या बोला जाए कि मेरे एक ही ट्रेन है और कोई ट्रेन चलती नहीं, सिर्फ यही ट्रेन है, बहुत धीमे धीमे चलती है, 8-9 घंटे में लखनऊ पहुँचाती है एंड 12 घंटे में तो हमारी जगह हमारी डेस्टिनेशन में पहुँचाती है, बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, सफ़र का इन्जॉय करते हैं, काफी बढ़िया लगेगा। भैया जी सीन्स देख लो, क्या मस्त सीन आ रहे हैं, ये है ग्वालियर उसके और आसपास की ब्यूटी। अभी निकल चुका है दतिया एंड डबरा, उसके बाद आएगा झांसी। सो मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ बगनार, एक स्टेशन है जो गोंडा के आगे पड़ता है एंड गोंडा भी अगर आप नहीं जानते हैं तो गोंडा पड़ता है लखनऊ के 150 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो हमारा गांव वहीं पे है, वहाँ पे जाना हो रहा है। वहाँ इसलिए जाना हो रहा है क्योंकि हमारे घर पे ओम नमः शिवाय की हर साल पूजा होती है, तो हर साल सब लोग पूरे फैमिली मेंबर आते हैं, मिलते हैं एंड वो पूजा में सब लोग रहते हैं, सब लोगों का साल में एक मिलन हो जाता है। जब हमारे माँ बाप भी थे तो उन सबका ये प्रथा चली आ रही थी, सबको साल में एक बार मिलना रहता है, यही थी। एंड मैं आगे आपसे बात करता हूँ जब दो तीन स्टेशन और निकलेगा। तो भैया जी हमको बहुत खेद है कि हम आगे का व्लॉग शूट नहीं कर पाए, लेकिन उसके एक रीज़न था। हम जब उतरे ट्रेन से तो वहाँ बहुत कीचड़ था, तो हम वहाँ पर व्लॉग शूट नहीं कर पाए, तो 2-3 क्लिप हमने शूट किए। हाँ जी भैया, तो हम आ गए हैं अपने गांव ग्राम पोस्ट मवई में, सो काफ़ी बढ़िया था। एंड मैं जब से रात से आया हूँ ना, तब से लगातार बारिश हो रही है एंड यहाँ बंद नहीं हो रही है, आप देख रहे हो मैं पूरा भीगा हुआ हूँ एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है एंड आप पूरा सीन देख सकते हैं,
तो अभी ये सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम गांव में हैं, तो यही सब कुछ सही है यहाँ पे। काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी सालों बाद गांव में आया हूँ। अक्टूबर 2019 में एंड नवंबर में चला गया था, तो यही था सीन। एंड अभी हमारे यहाँ पूजा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उस पूजा में काफ़ी लोग आएंगे। तो जिनको आप चाहते हैं कि वो व्लॉग में आए, वो भी आएंगे अगले व्लॉग में। तो या मतलब गांव बहुत बदल गया है, पहले लाइटिंग वाइटिंग बहुत कम रहती थी, लेकिन अब लाइट भी आने लगी है। रात भर पूरी लाइट थी, एंड 7 बजे के आसपास लाइट चली गई थी। तो क्या हुआ था, एसी चल रहा था, एसी में उतनी ठंडी नहीं लगी, लेकिन 7 बजे पापा उठते हैं, वो गेट खोल देते हैं, ये पीछे आपको जो खिड़की दिख रही है ये खिड़की खोल देते हैं, एंड इतनी तेज़ हवा चलती है, लिटरली भाई ठंड लग जाती है। और पता, जो नींद खुली है ना, वो ठंड के कारण खुली है, वरना वैसे नींद नहीं खुली थी, लेकिन ठंड के कारण नींद खुली है। सो बस यही अभी सीन है, नहा धो के आए हैं, तो सोचा व्लॉग कर लेते हैं, बारिश में बढ़िया लग रहा था। जैसे आप ये देख रहे हैं गेट, ये गेट काफ़ी पुराना है, ये 70 साल के आसपास पुराना है, मतलब हमारे बाप दादा के पहले का है, मतलब हमारे जो पर बाबा थे उनका ये लगाया हुआ गेट है, काफ़ी पुराना है। एंड मजबूती आज देख लो, अभी भी चल रहा है ये, एंड पूरा अगर आप देखोगे ना, इतना अच्छे से इसमें नक्काशी की गई है। सो या जो फील आती है ना ग्वालियर के फोर्ट में, वो वाली फील हमें हमारे गांव में मिल रही है। सो या काफ़ी बढ़िया लगा, और मतलब आप देख लो एक बार ये पूरी नक्काशी, एक नंबर लगती है। एंड गांव में आया हूँ तो सो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है, और यहाँ हम लोग बैठे हैं, पूरा हमारा घर आप देख सकते हैं पीछे। ये थोड़ा मतलब व्लॉग अच्छा लग रहा है मेरे को ये वाला, क्योंकि मैं बहुत साल बाद आया हूँ अपने गांव में, एंड गांव में व्लॉग कर रहा हूँ, तो इससे बढ़िया मतलब बात ही नहीं है कोई कि गांव में व्लॉग बन रहा है। सो ये बहुत यादगार रहेगा। एंड देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा सांड हैं कि आपको क्या बताऊँ, ये सांड एंड वो हमारी गायें हैं, आपको जैसे दिख रहा होगा एक जीप। सोया एंड जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा घर जो काफ़ी बढ़िया है। सोया एंड चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ और करते हैं, क्योंकि आज तो पूरा दिन वैसे ही निकल रहा है, क्योंकि कल पूजा है। सो यही था आज का डे वन, एंड काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, मैं आया यहाँ पे बहुत सालों बाद, एंड मेरा सबसे काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड आप नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड अब तो डेली व्लॉग आएंगे, क्योंकि जब तक आयुष भाई गांव में है तो रोज़ एक ना एक व्लॉग आएगा। सो बंद करते हैं इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर बोल दिया शेयर, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। बस इस भाई को याद रखना कि ऐसा लड़का है जो व्लॉग बनाता है। अब चलते हैं अपन, बाय। उड़ते जाओ।